सारा पहाड़ पूरे सब फट गए, फट करके नीचे चले जा रहे हैं पैसे के लिए। मन सोचा कि हमको, क्योंकि हमारा जीवन बहुत कष्टमय हो रहा है, लकड़ी कट करके सब बाहर चली जाती है, घास और चारा नहीं है पशु के लिए, क्योंकि पूरा काम महिलाएं करती हैं, खेती का काम, जंगल से लकड़ी लाना, बच्चों की देखभाल, तो उन मीलों दूर जाना पड़ता है, पानी के स्रोत सूख गए हैं। तो उन्होंने कहा हमको अपने पेड़ बचाने चाहिए, हम नहीं कटने देंगे। तो उन्होंने पेड़ों पर राखी बांधी, उनकी रक्षा करेंगे। उनको स्थानीय नहीं मिला तो नेपाल से वो लाए थे ठेकेदार मजदूर नेपाल से, और उनसे कहा कि यदि मैं दिन में महिलाएं नहीं काटने देती हैं, पेड़ों पर चिपक रही हैं, तुम रात को चांदनी रात में काटो। तो बहुत सारी महिलाएं कुछ रुक करके रात में झोपड़ों में रात को भी रहती थी, और रात को भी उनको वहां जाकर जो आवाज़ आती थी गुलाड़ी की, तो फिर वहां जा चिपक नहीं चली जाती थी। तो उन्होंने कहा कि जंगल क्या है, जंगल के उपकार मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। लेकिन महिलाओं ने मोर्चा नहीं किया, महिलाओं ने कहा कि हम नहीं, भले कुलाड़े चमकेंगे, हम पेड़ों पर चिपकेंगे, लाठी गोली खाएंगे, अपने पेड़ बचाएंगे। उसने चिपको आंदोलन ने दुनिया को एक नई दृष्टि दी पेड़ों के बारे में, कि पर्यावरण पेड़ जिंदा रहने के लिए जरूरी है, केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि वो तो अपने वायुमंडल को, अपनी मिट्टी को, पानी को, अपने मनुष्य को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ये उन्होंने नई दृष्टि दी पहाड़ की महिलाओं ने।